मोहन एक मेहनती किसान है जो हर सुबह अपने खेत में काम करने के लिए जाता है और शाम होते ही घर वापस लौट आता है। एक रोज मोहन अपने खेत में था और अपनी फसलों को देख रहा था। अरे ऐसा लगता है इस बार फसल अच्छी होगी, अच्छी खासी आमदनी हो जाएगी इस बार। इस बार मोहन की काफी अच्छी फसल हुई थी जिस कारण मोहन काफी खुश था। ये है राधा, मोहन की बीबी, जो रसोई में कुछ खाना बना रही थी। तभी मोहन घर आता है और अपनी बीबी राधा को आवाज लगाता है। अरे राधा, राधा कहाँ हो? मोहन की आवाज सुन राधा, हाँ हाँ आई जी। मोहन वहाँ रखे खटिया पर बैठा रहता है। तभी राधा एक गिलास पानी लेकर पहुँचती है मोहन के पास। ये लीजिए पानी पीजिए, और आज आप इतनी जल्दी आ गए और काफी खुश भी नजर आ रहे, क्या बात है? अरे राधा खुश तो होऊंगा ही ना, इस बार खेत में फसल बहुत अच्छी हुई है और इस बार फसल की दाम भी अच्छी है, तो इस बार अच्छी खासी इनकम हो जाएगी। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं जाकर मंदिर में पूजा दे के आऊंगी। अच्छा चलो ठीक है, तुम पूजा दे देना। राधा माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्ति, वो हर रोज सुबह सुबह मंदिर जाकर पूजा करके आती थी। एक रोज मोहन खेत में आकर अपनी फसलों को निहार रहा था। अरे इस बार बहुत अच्छी फसल हुई है, इसे काटने का वक्त भी हो गया है, समय देखकर एक दिन आकर काट लेना पड़ेगा। मोहन ये सब अपने खेतों की तरफ देखकर सोच ही रहा था कि दूसरी तरफ से एक पागल गाय दौड़ते दौड़ते आती है और मोहन को एक धक्का लगाती है और वहाँ से दौड़ कर आगे चले जाते हैं। मोहन उस धक्का खाने के बाद खुद को संभाल नहीं पाता है और वहाँ पर गिर पड़ता है और मौके पर ही बेहोश हो जाता है। काफी समय तक मोहन वहीं पर बेहोश पड़ा रहता है। कुछ समय बाद गांव वाले उधर से गुजर रहे थे, तभी मोहन को देखकर उसे जल्दी से उठाकर घर की ओर लेकर जाते हैं। मोहन को काफी समय बाद होश आ जाता है, लेकिन अब मोहन उठ नहीं पाता है और ना ही कुछ कर पाता है। मोहन की बीबी राधा मोहन की बहुत सेवा करती है और माँ दुर्गा को याद करती है। हे माँ दुर्गा मेरे मोहन को ठीक कर दो, माँ दुर्गा क्या हो गया मोहन को, ठीक कर दो ना माँ दुर्गा, मैं तुम्हारे मंदिर जाके पूजा देके आऊंगी। मोहन अब बिस्तर पर ही रहता है, वो उठ नहीं पाता है और राधा घर का सारा काम के साथ साथ मोहन की भी खूब सेवा करती है और माँ दुर्गा को याद करती है। समय पर फसल नहीं काटने की वजह से मोहन के सारे फसल खराब हो जाते हैं। एक रोज मोहन खटिया पर सोया हुआ था और राधा कुछ काम कर रही थी। तभी मोहन के घर लाला जी आ पहुंचते। अरे मोहन, अरे मोहन कहाँ है रे? लाला जी की आवाज सुन राधा सामने आती है और कहती, जी कहिए क्या बात है और आप कौन हैं? अरे मैं कौन हूँ तुम्हारे पति से जाके पूछो, वो मोहन, मैं लाला हूँ लाला, मुझसे कर्ज लेकर खेती बाड़ी कर रहा था, बहुत सारे कर्ज लिए हैं, अब चुकाने के नाम पर दर्शन नहीं दे रहा है, कहाँ छुपा है वो, बुला के लेके आओ मेरे सामने। अरे लाला जी वो छुपा नहीं है, उसका एक्सीडेंट हो गया था जिस कारण से तब से वो बिस्तर पे पड़ा हुआ है, वो उठ नहीं पाता है और सारे फसल खराब हो गए, तो हम आपकी पैसा चुका नहीं पाए, हमें माफ कर दीजिए। अरे ये सब बहाना बाजी कहीं और करना, मुझे तो मेरे पैसे चाहिए, वो भी सूद सहित। तभी मोहन खटिया पर सोया हुआ था लाला जी की बात सुन कह उठता है, अरे लाला जी थोड़ा सा वक्त दे दीजिए हमें, मेरी तबीयत खराब है, जैसे ही ठीक हो जाती है फिर मैं कुछ करके आपके पैसा चुका दूंगा। अरे तुम्हारी तबीयत कब ठीक होगी और मुझे कैसा कब मिलेगा, मुझे ये सब नहीं चाहिए बहाना बाजी, मुझे तो मेरा पैसा चाहिए, जैसे भी हो करके मुझे मेरा पैसा दो। लाला जी हमें कुछ मोहलत दे दीजिए, हम आपका कर्ज चुका देंगे, हम आपका पैसा नहीं मारेंगे। अरे हमें कोई मोहलत ओलत नहीं चाहिए, हमें तो बस पैसा चाहिए। अरे लाला जी मैं तो कहता हूँ
इसकी लुगाई को लेके चलते हैं। हमारे घर काम वाली छोड़ के चली गई है, इसको लेके चलिए काम पे लगाइए और घर में काम करके ये पैसा चुकता करेगी। अरे हाँ संतोष, तुम तो बहुत सही बात कहा है आज, इसकी लुगाई को ही लेके चलते हैं। चलो घर में काम करके हमारा पैसा चुकाएगी और जब तक पैसा नहीं चुकेगा तब तक हमारे घर काम करेगी। इसके बदले दो टाइम का खाना भी लेके आ जाना अपने लिए और अपने पति के लिए। अरे लाला जी ये क्या कह रहे हैं, मेरी बीबी आपके घर कैसे काम कर सकती है? जब पति कर्ज में डूबा हो तो उसकी बीबी काम कर सकती है दूसरे के घर में। संतोष लेके चलो इसकी लुगाई को। फिर लाला जी के कहने पर संतोष आता है और मोहन की लुगाई को पकड़ लेता है काम के लिए लेके जाने के लिए। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे मत लेके जाइए, हम लोग पैसा चुका देंगे। अरे संतोष इसकी बात मत सुनो, लेके चलो। फिर संतोष लाला जी के कहने पर राधा को वहाँ से जबरदस्ती घसीटते हुए लेके जाता है और इधर बेचारा मोहन कुछ कह भी नहीं पाता है। अब राधा का जिंदगी ऐसे ही बीतता है। राधा दिन में आकर लाला के घर काम करती है। लाला जी ये लीजिए आपका चाय। अरे हाँ हाँ हाँ, तुम तो बहुत बढ़िया चाय बनाती हो, एक काम करो आज खाने में कुछ अच्छा सा बनाना। हाँ ठीक है लाला जी। राधा इधर लाला के घर सारा काम करती और लाला बैठ बैठ कर राधा के ऊपर नजर रखता था। राधा लाला के घर सारा काम करने के बाद खाना भी बनाती। राधा लाला के रसोई में एक दुर्गा माँ का फोटो फ्रेम लगाई हुई थी जहाँ वो हर समय माँ दुर्गा को देख कर कहते रहती थी, हे माँ दुर्गा ये कौन से परीक्षा ले रही हो मेरा, ये क्या हो गया मेरे साथ, माँ दुर्गा मेरी मदद करो, मुझे इस जिंदगी से छुटकारा दिलाओ, मुझे इस लाला के घर से छुटकारा दिलाओ माँ दुर्गा, मैं जैसे भी थी अपने पति के साथ ठीक थी, माँ दुर्गा मुझे बचा लो। राधा लाला का खाना बना देने के बाद वो अपने और अपने पति मोहन के लिए एक टिफिन में खाना भर लेती और लेके चली जाती घर। ऐसे ही दिन बीतने लगा। एक रोज राधा लाला के घर से लाए हुए खाना में से मोहन को खिला रही थी। ये लीजिए मोहन। अरे राधा मैं कितना असहाय हो गया हूँ, बिस्तर पर पड़ा रहता हूँ, तुम काम करके आती हो और मुझे खाना खिलाती हो, क्या जिंदगी हो गया है, इससे बढ़िया तो मैं मर ही जाता तो ही बढ़िया रहता, तुम्हें इतना बुरा दिन नसीब नहीं होता। अरे नहीं नहीं ये क्या कह रहे हैं, मेरे नसीब में जो होगा वही होगा, आपके करने और कहने से कुछ नहीं होता जी, और देखना एक न एक दिन सब ठीक हो जाएगा माँ दुर्गा की कृपा से, ये लीजिए खाना खा लीजिए। राधा मोहन को खाना खिला रही थी तभी दरवाजे पर से एक बच्चे की आवाज आती है, माँ माँ भूख लगी है कुछ खाने के लिए दे दो। राधा उस बच्चे की आवाज सुन ऐसा लगा कि वो उसकी ओर खींचे चली जा रही है, माँ कुछ खाने के लिए दे दे माँ बड़ी भूख लगी है। राधा अपने कटोरी की ओर देखती है, बस उसी के लिए कुछ खाने पड़े हुए थे, लेकिन उस बच्ची को भी भूख लगी थी। राधा को उस बच्ची पर दया आता है। राधा उस बच्ची को घर के अंदर बुलाती है, आ जाओ बेटी आ जाओ घर के अंदर आ जाओ, यहाँ बैठ कर खा लो। फिर राधा एक कटोरी में सारा खाना उस बच्ची को दे देती है। वो बच्ची खाना खा रही थी और इधर राधा को बड़ी ही संतुष्टि मिल रही थी। कुछ समय में वो बच्ची सारा खाना खा जाती है। आ माँ पेट भर गया, बड़ा ही स्वादिष्ट खाना था, तुम्हारा भला हो माँ, तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो, इस भूखे को खाना खिलाई जो तुम। एक मिनट बेटी मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। हाँ हाँ माँ जल्दी लाओ प्यास भी लगी है। फिर जैसे ही राधा पानी लेने के लिए जाती है वो बच्ची धीरे धीरे दुर्गा माँ के फोटो के पास आती है और वो गायब हो जाती है, दुर्गा माँ के फोटो में समा जाती है। राधा जल्दी से पानी लेकर आती है, वो बच्ची कहीं नहीं मिलती है। राधा खाने के टिफिन की ओर देखती है, वहाँ देखती है कि टिफिन पूरी तरह से पैक किया हुआ है। अरे ये क्या टिफिन कौन पैक किया, मैं तो अभी खोल के खाना खिलाई उसको भी खिलाई। राधा जैसे ही टिफिन खोलती है उसमें से बहुत सारे सोने जेवर और पैसे निकलते हैं। राधा ये देख आश्चर्यचकित हो जाती है, वो जोर से मोहन का आवाज लगाती है, मोहन मोहन। मोहन भी
राधा की आवाज सुन हड़बड़ा जाता है और उठने की कोशिश करता है तो वो उठ खड़ा हो जाता है। राधा मोहन को देख और भी ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाती है। अरे मोहन, तुम खड़े हो गए, तुम ठीक हो गए मोहन? अरे अरे हाँ राधा, मैं तो खड़ा हो गया। अरे मैं कैसे अचानक से ठीक हो गया? ये सब माँ दुर्गा की कृपा है। अभी जो बच्ची आई थी वो लगता है माँ दुर्गा थी। उसने मुझे आशीर्वाद दिया कि मेरी हर इच्छा पूरी हो, और मेरी इच्छा यही थी कि आप ठीक हो जाओ और मैं लाला के पैसे चुका दूं और आपके साथ सुख शांति से रहूं। और देखो मेरी इच्छा पूरी हो गई मोहन। हाँ हाँ राधा, माँ दुर्गा की कृपा है जो मैं ठीक हो गया और इतने सारे पैसे आ गए। जय माँ दुर्गा की जय हो, जय माँ दुर्गा की जय हो। फिर राधा उन पैसों से लाला का सारा कर्ज उतार देती है और मोहन के साथ इस घर में खुशी खुशी रहने लगती है। सोनाली और उसकी सास मंजू दोनों बस स्टैंड पर खड़ी बस का इंतजार कर रही थी। अरे कब से इंतजार कर रही हो इस बस का, आ क्यों नहीं रही है? अरे माँ जी, समय होगी तभी तो आएगी, इंतजार कीजिए, आ जाएगी अभी। मंजू और सोनाली दोनों इंतजार करने लगते हैं। सोनाली के पेट में थोड़ी थोड़ी दर्द होने लगी थी। अरे ये क्या हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अरे मेरा पीरियड्स का डेट है और मैं पैड लाना भी भूल गई, अब मैं क्या करूँ? अरे नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, बस थोड़ी दूर की तो सफर है, फिर उतर जाऊंगी तो फिर पैड ले लूंगी, यहाँ तो कोई दुकान भी नजर नहीं आ रही है। और कुछ देर इंतजार करने के बाद बस पहुँच जाती है। अरे बहू चल चल जल्दी चल, बस आ गई, चढ़ते हैं। हाँ हाँ माँ जी चलिए। सोनाली और मंजू दोनों बस में चढ़ने लगते हैं। बस वहाँ से खुल जाती है। मंजू और सोनाली दोनों बस में चढ़ जाते हैं। अरे बहू चल वहाँ सामने बैठते हैं, सीट खाली है। हाँ हाँ माँ जी चलिए। फिर सोनाली और उसकी सास मंजू दोनों जाकर सीट में बैठ जाते हैं। सभी कोई यात्री अपने अपने सीट में बैठे थे, तभी वहाँ दो लड़कियाँ आपस में बात कर रही थी सोनाली को दिखा दिखा कर। अरे देखना वहाँ वहाँ उस लड़की का क्या हो गया है? थोड़ा सा भी शर्म नहीं है, कैसे आ गई है, कहाँ कहाँ? अरे हाँ, अरे जी 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 जी, कितनी गंदी है, कैसे लग रही है, पूरा पीरियड्स का दाग लगा है। इधर मंजू और सोनाली को कुछ भी एहसास नहीं होता है, सोनाली के पूरे कपड़ों में पीरियड्स का दाग लग गया था। धीरे धीरे ये बात पूरे बस में फैल जाती है। उसके सामने बैठी एक औरत को यह नजर आता है। अरे देख कैसी गंदी लड़की है, यहाँ आ गई बैठ के पूरा दाग लगा के, छी थोड़ा सा भी घिन नहीं आता है, शर्म भी नहीं आता है, छी छी छी। अरे हाँ आप सही कह रहे हैं चाची, देखिए कैसी गंदी लड़की इस बस में चढ़ गई है, हमें तो उतर जाना चाहिए लगता है बस से। अरे नहीं नहीं, हम लोग क्यों उतरेंगे, उसे ही उतारते हैं ना, सब मिलके बोलते हैं चलो। हाँ हाँ सही कह रहे हैं, चलिए बोलते हैं। सामने बैठी औरत और वो लड़की दोनों सोनाली से कहती है। अरे लड़की कैसी है रे तू, थोड़ा सा भी शर्म ब्लाज निहाज कुछ है कि नहीं है? लेकिन चाची हुआ क्या, किस बात की शर्म? ऐसे कह रही है जैसे कुछ पता ही नहीं है, अपने कपड़ों पे ध्यान तो दे, देख पूरा दाग लगा हुआ है, घिन नहीं आ रही है? यहाँ कितने सारे मर्द बैठे हैं, उनके बीच तू ऐसे करके बैठी हुई है, शर्म है कि नहीं? फिर सोनाली अपने कपड़ों में देखती है, वो देखकर चौंक जाती है। अरे ये क्या हो गया, कैसे दाग लग गया? अरे बहू थोड़ा सा ध्यान से तो आती, देख सब कोई कैसे बोल रहे हैं, कितनी शर्मनाक बातें हैं। अरे हाँ हाँ तुम्हारे चलते हम लोग की शर्मिंदगी हो, जाके उतर जाओ। अरे बस ड्राइवर बस रोको, इन्हें उतारो नीचे। अरे लेकिन हमें कुछ दूर जाना है, अभी उतार देंगे तो इसके बाद दूसरी बस नहीं मिलेगी, फिर हम कैसे जाएंगे? अरे कैसे जाओगी, तुम्हारा प्रॉब्लम है तुम समझो, तुम बस से उतरो, हम लोगों को घिन आ रही है तुमसे। अरे ऐसे मत कीजिए, ऐसे हमें मत उतारिए बस से, अभी दूसरी बस भी नहीं है, हम लोग यहाँ उतर के क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, ऐसा मत कीजिए, हम लोग यूं ही एक कोने में बैठ जाते हैं। अरे नहीं नहीं यहाँ बैठने की कोई आवश्यकता नहीं है, चलो चलो उतरो नीचे उतरो, ऊपर से ये बुढ़िया दया दिखा रही है, चलो उतरो नीचे। अरे ड्राइवर साहब बस रोकिए। बस में काफी हल्ला गुल्ला हो रहा था उन दोनों को उतारने के लिए, तब अंत में और कोई चारा नहीं रहता है सोनाली के पास। अरे बहू चल उतर जाते हैं, ये लोग हमें ऐसे नहीं छोड़ेंगे। सोनाली
और उसकी सास मंजू दोनों खड़े हो जाते हैं उतरने के लिए। तभी पीछे बैठा एक सज्जन आदमी सामने आता है और कहता है, अरे अरे क्या हुआ, इतनी हंगामा क्यों हो रही है? और माँ जी आप लोग यहाँ क्यों उतर रहे? यहाँ तो कोई स्टॉप भी नहीं है और आपको यहाँ से दूसरी बस भी नहीं मिलेगी। अरे नहीं बेटा, हम लोग तो उतरना नहीं चाहते हैं, लेकिन सभी के कहने के कारण हमें उतरना पड़ रहा है। अरे कौन क्या कह रहा है आपसे? अरे लड़के तुझे नजर नहीं आती क्या? उस औरत को देख, पूरा दाग लगा हुआ है, पूरे बस को घिना के रखी है। इसे जल्दी से उतार दे यहाँ से, वरना गंदगी पूरे बस में फैल जाएगी। वो सज्जन व्यक्ति राजीव सोनाली को ध्यान से देखता है, उसके शरीर में लगे दाग को भी ध्यान देता है और कहता है, अरे माँ जी आप तो मेरी माँ की उम्र है, आपको भी तो ये पीरियड्स आया होगा, उसकी कोई क्या गलती हो सकती है? हो सकता है वो पैड लाना भूल गई हो और अभी अभी बस में उसको पीरियड्स आ गए, इसी कारण दाग लग गए। तो आप उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? क्यों आपकी बहु बेटियों को पीरियड्स नहीं आते हैं क्या, जो आप उसे ऐसे गंदी नजरों से देख रहे हैं? अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन लेकिन कैसी बात है माँ जी, आप ही बताइए ना, आपको भी तो कभी आए होंगे, और सभी को आते हैं, सभी औरत को पीरियड्स आते हैं, तो ये गलत कहाँ है और कौन सी गंदी बात है? अब आप ही सोचिए, आप लोग अगर इन्हें यहाँ उतार देते हैं, इन्हें दूसरी बस तो अभी नहीं मिलेगी, अगर कोई दुर्घटना घट जाती है उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप लोग। बस में खड़े उस औरत का मुंह चुप हो जाता है, वो जाके अपने सीट में बैठ जाती है। अरे ओ ड्राइवर भाई साहब, अगर कोई दुकान दिखे, दवाई दुकान, तो जरा गाड़ी रोकना वहाँ पर। अरे माँ जी बहन जी आप लोग यहाँ बैठे रहिए, आप लोगों को कोई कुछ नहीं कहेगा। हाँ हाँ ये लड़का तो सही कह रहा है, गलत कहा है। अब बस में सभी कोई राजीव का सपोर्ट करने लगते हैं, तो उस औरत का मुंह चुप हो जाता है, वो लोग शांत होकर बैठ जाते हैं। एक काम कीजिए बहन जी, मैं कोई कपड़ा देता हूँ, आप उसे लपेट लीजिए तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, और बस में बाकी सब बैठे उन पर गंदगी भी नहीं फैलेगी। राजीव सोनाली को एक कपड़ा दे देते हैं, सोनाली वो कपड़ा अपने शरीर में लपेट लेती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने इतनी बड़ी मदद की हमारी। अरे शुक्रिया किस बात की, हम इंसान हैं, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, न कि एक दूसरे को बुली करना चाहिए। कुछ दूर जाने के बाद ड्राइवर कहता है, अरे भाई साहब एक मेडिकल स्टोर है। बस वहाँ रुकती है, राजीव वहाँ से जल्दी से नीचे उतरता है, राजीव जल्दी से बस से उतरता है और वो मेडिकल दुकान जाता है। अरे भाई साहब एक जल्दी से पैड देना, वो आदमी उसे एक पैड निकाल के दे देता है। राजीव उस पैड को लेता है और फिर वापस बस में चढ़ जाता है और एक पैड लेकर जल्दी से आता है और सोनाली को देते हुए कहता है, ये लीजिए बहन जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक काम कीजिए, आपको चेंज करना है तो पीछे जाके चेंज कर लीजिए, हम सभी आगे आ जाते हैं, वहाँ एक कपड़ा टांग देते हैं हम। फिर सभी बस यात्री आगे की ओर आ जाते हैं, सोनाली और उसकी सास पीछे चली जाती है, पीछे एक कपड़ा टंगा हुआ था जहाँ सोनाली जाकर चेंज कर लेती है। सोनाली आगे आते हुए उस सज्जन व्यक्ति राजीव से कहती है, धन्यवाद भाई साहब, आज तो इस युग में कोई अपना अपने की मदद नहीं करता, आप एक पढ़ाए होकर आप मेरी इतनी मदद की, आप सोच भी नहीं सकते कि मैं आपको किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं। अरे कोई बात नहीं है, आज हमने आपकी मदद कर दी, कल आप कोई भी असहाय को देखिएगा तो आप भी मदद कर दीजिएगा, तो समझ जाइएगा मेरा ऋण उतर गया। हमारे इस दुनिया में ऐसी औरत तो बहुत होती है, औरत की जगह पे मर्द भी हो सकता है, लेकिन राजीव जैसा इंसान भी बहुत कोई है जो हर किसी की मदद करता है। तो आप एक राजीव बनने की कोशिश कीजिए, ना कि उस औरत की तरह दूसरे को सुनाने की।